मजलिस टीपू सुल्तान सुलहपेट और चिंचोली कमेटी की जानिब से मजलिस टीपू सुल्तान स्टेट प्रेसिडेंट हबीब सरमस की सदारत में कर्नाटक राज्य उत्सव और टीपू सुल्तान जयंती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्रोग्राम में साहबजादे टीपू सुल्तान सैयद मंसूर अली टीपू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की थी और इसके अलावा नूर अहमद जेडीएस स्टेट वर्किंग यूथ प्रेसिडेंट कांग्रेस एक्स मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल बलराज गुत्तेदार अली मीनामदार कृष्णा रेड्डी नजमा मैडम संजीव याकापुर इलिया सेठ बागबान डॉक्टर फारूक मन्नूर समीर बागबान और दीगर कई पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लीडर्स इस प्रोग्राम में मौजूद थे। इस मौके पर सैयद हबीब शर्मा सैयद मंसूर अली टीपू जनाब नूर अहमद ने हजरत टीपू सुल्तान की ज़िंदगी और उनके कारनामे बयां कर इतिहास को याद दिलाने की कोशिश की है और साथ ही इस प्रोग्राम में डॉक्टर सोशल एक्टिविस्ट और दीगर लोगों को बेस्ट सर्विस अवार्ड दिया गया है। ये प्रोग्राम सुलहपेट में रखा गया था और हजारों लोग शिरकत कर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए हैं। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hills Circle Ring Road Gulbarga. जिस इतिहास किताब नाश करती है, जिस नाम से हर पन्ना नाश करता है, जिस नाम से इतिहास के बहादुरों के किस्से लिखे गए हैं, जिस इतिहास में रॉकेट एडवेंचरी लिखा गया है, जिस इतिहास के अंदर शेरों की कहानियां नहीं हकीकतन हिंदुस्तान सरजमीन पर जो आखिरी लहू भी शहीद आजम टीपू सुल्तान उनके उनके वालिद मोहतरम देने के बाद भी आज भी वो इतिहास याद करता है। तुम अगर उन पन्नों से इस नाम को हटा दिए गए तो इतिहास में बचेगा क्या? यानी कि इतिहास को भी अगर नाज है हिस्ट्री को तो टीपू सुल्तान शहीद का इतिहास होना जरूरी है। अगर उनका इतिहास हटा दिए तो इतिहास के अंदर कुछ नहीं बचेगा। रियासत कर्नाटक दक्कन के अंदर दो ऐसी शख्सियतें गुजरी जिसको नारा सुभाष चंद्र बोस ने भी दिया, जय जवान जय किसान। मैसूर के इलाकों में अगर मैसूर बेंगलोर के फाउंडर श्री केम्पे गौड़ा जी हैं तो किसानों में कहलाते हैं और जवानों के अगर शख्सियत पहले नौजवानों के शहीदों के टीपू सुल्तान है। जो आज जो हम लोगों ने कन्नड़ा राज्योत्सव और यौम पैदाइश टीपू सुल्तान बनाए हैं उसको आज एक ऐतिहासिक पन्नों में लिखा जाएगा हैदराबाद कर्नाटक के इलाकों पर। कई लोग 72 बरस गुजर चुके आजादी के बाद भी आजादी से पहले भी शहीद आजम टीपू सुल्तान शहीद की कुर्बानियां उनका खानदान की कुर्बानी शहीद आजम के बाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जब मस्जिद आला में जनाजा मुबारक लेकर गए और उनके फैमिली को हजरत के शहीद के बड़े फर्जंद फतेह हैदर यासिन सुल्तान मुइजुद्दीन के हवाले जब उनके जिस्म मुबारक को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दे दिया और ये कहा बेटा आपके बाप भी शेर हैं और आप भी शेर हैं, आपकी नस्ल भी शेर है करके और उनका जिस्म उनको देने के बाद भी 21 तोपों की सलामी जब अंग्रेज ने चाहा देने के लिए तो अल्लाह की भी मर्जी थी कि 21 तोपे नहीं हजारों के तोपे बारिश के जरिए और बादलों के जरिए 3 दिन तक भी बारिश श्रीरंगपट्टनम की सरजमीन पर गिरता रहा। अंग्रेज उस रात 1799 4 तारीख को दिन कहे जब टीपू सुल्तान शहीद की सांस को उन्होंने कहा कि आज शहीद आजम टीपू सुल्तान शहीद की सांस रुक गई है जब अंग्रेज डिक्लेयर किया आज से हिंदुस्तान हमारा है। शहादत के बाद मदफून करने के बाद मैं असल बात पर आता हूं जो हबीब शर्मा साहब ने कहा कि हुकूमत टीपू सुल्तान शहीद के औलादों को देना चाहिए। यह खानदान हमेशा देता हुआ आया है, यह खानदान कुर्बानियां दिया है, ये खानदान 150 साल कैद रहा है, ये खानदान कुर्सी हालत में रहकर भी कभी सरकारों को पूछा नहीं है, ये खानदान ता खयामत तक भी इस सरकारों को देगा लोगों को भी देगा। आज भी अगर रियासत कर्नाटक तमिलनाडु केरला में भी हजरत टीपू सुल्तान शहीद की 14 फोर्टें 6 म्यूजियम में
हजार एकड़ जमीन शहीद टीपू सुल्तान में औकाफ की तोहफे में दी गई जमीनें हैं। आज भी हाल ही में गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया कि टीपू सुल्तान शहीद से हमें आमदनी क्या आ रही है। जहां जहां टीपू सुल्तान शहीद के आशिकाने जब गुंबद शरीफ पर जाते हैं, जब शहीद आजम को अकीदत पेश करने जाते हैं, तो टीपू सुल्तान शहीद के आशिक चप्पल छोड़कर जाकर जियारत कर वापस आकर चप्पल पहनते हैं। 5 रुपए देकर वहां चप्पल छोड़ना पड़ता है। आज भी अगर औकाफ को अगर आमदनी आ रही है, टीपू सुल्तान शहीद के आशिकों की चप्पल की कमाई वहां आज भी चल रही है। टीपू सुल्तान शहीद के आशिक जब कार छोड़कर अंदर जियारत को जाते हैं तो 50 रुपए आमदनी आ रही है। जब टीपू सुल्तान शहीद के आशिक 100 रुपए देकर म्यूजियम को अगर अंदर जाकर समर पैलेस हो या दूसरे म्यूजियम में देखना है तो रोज की कलेक्शन 15 लाख रुपए टीपू सुल्तान शहीद की बदौलत है। आप लोगों को मुत्तहिद होना होगा, एक होना होगा। इलेक्शन करीब है। मैं किसी सियासी जमात से नहीं, ना मैं कांग्रेस पार्टी से, ना मैं जनता दल सेकुलर से, मैं किसी सियासी जमात से नहीं। कोई भी पार्टी आपके दरवाजे पर अगर आए नौजवानों, पहला सवाल उनसे करना कि जब हमारी बहनों के सरों से चादरों को छीना गया, आपका स्टैंड क्या था? ट्रिपल तलाक के नाम पर शरीयत में मदाखिलत हुई, आपका स्टैंड क्या था? एनआरसी के नाम पर हमसे जब इस मुल्क के होने का सबूत मांगा गया, आपका स्टैंड क्या था? जो हमारे लिए लड़ेगा, इंशाल्लाह हम उसके लिए वोट करेंगे, उसके अलावा हम वोट करेंगे। हमसे एनआरसी में सबूत मांगा गया कि तुम इस मुल्क के हो साबित करो। मोदी जी, हम वीर सावरकर की औलाद नहीं, हम टीपू सुल्तान की औलाद हैं, हम टीपू सुल्तान के वंशज हैं। जब हजरत टीपू सुल्तान से एक जुमला कह के अपनी जगह लूंगा, बोलने वाले बहुत हैं। जब हजरत टीपू सुल्तान जहर की नमाज अदा करते हैं, अपने किले में हैं, खाने का लुकमा उठाते हैं, फौज आती है, कहती है कि अंग्रेजों ने हमला कर दिया, अंग्रेजों ने हमला कर दिया, खाने के लुकमे को हजरत टीपू सुल्तान शहीद ने प्लेट में वापस रखा और अल्लाह की तरफ देखकर कहा, मौला जब इस मादरे वतन को इस अंग्रेजों से छुटकारा दिला दूंगा, उस वक्त ये लुकमा अपने अपने पेट में जाएगा। हजरत टीपू सुल्तान अपनी मियान से तलवार को निकालकर खिले के बाहर जाते हैं, अंग्रेजों से लड़ते हैं, कई अंग्रेजों को वासिले जहन्नम करने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब आपके बॉडीगार्ड ने आपसे कहा, टीपू सुल्तान इन सिपाहियों के सामने कह दीजिए कि मैं टीपू सुल्तान हूं, अपनी शनाख्त जाहिर कर दीजिए, ये लोग आप पर हमला नहीं करेंगे। तो उस वक्त अगर टीपू सुल्तान ने जो जुमले कहे थे, आज वो तारीख की किताबों में सुनहरे हुर्फों में लिखे गए। जब ये लफ्ज हजरत टीपू सुल्तान के गार्ड ने हजरत टीपू सुल्तान से कहा ना, तो हजरत टीपू सुल्तान ने कहा था, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी से लड़ते लड़ते इस मुल्क पर अपनी जान को कुर्बान करने की तारीख रखने वाले हम मुसलमान हैं। हमने इस मुल्क को अपना खून लिया और इस मुल्क को सींचा है। हजरत टीपू सुल्तान वंशस्थरो, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಸಾಹಬ್ಜಾದ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಸೇಡಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಬಾಲರಾಜ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರೇ, ಯುವ ಜನತಾ ದಳದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷದ ಸಮೀರ್ ಭಾಗವಾನ್ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾದ ನಜ್ಮಾ ನಜೀರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪು ಕಮಿಟಿಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾಗೂ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಸೇಡಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಪ್ಪು ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಪಾರ.
ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಓದುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕರೆ ಬಹಳ ಜೋಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ದು ಅವರ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಜೊತೆ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ತಿರುವ ಯಾವುದೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೇಡಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೂಲೆಪೇಟೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಡೀತಿರುವ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಸಾಹಬ್ಜಾದ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾರ ಆಜ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಡೇ ಜೊ ಹಮೆ ಫಖರ್ ಹೈ ಕೆ ರಿಯಾಸತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಹರ್ ಕೋಯಿ ಕನ್ನಡ ಪಢನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಕನ್ನಡ ಕೋ ಜಾನ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಜೊ ಕನ್ನಡ ಏಕ್ ಜುಬಾನ್ ಕೋಯಿ ಧರ್ಮ ಕಿ ನಹೀ ಹೈ, ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ಜೈಸ ದೂಸರೆ ಶಹರೋ ಮೇ ಜೈಸೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೇ ಗಯೆ ತಮಿಳ್, ಕೇರಳ ಗಯೆ ಕೇರಳ, ವೈಸಾ ಹರ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಯಾನಿ ಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ 8 ಕರೋಡ್ ಕಿ ಜೊ ಅವಾಮ್ ಹೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀಖನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ನನಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ, ನನಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ 867 ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಶುಭಾಶಯ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಡೇದು ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಅಮನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹೆಂಗು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ದಲಿತರು ಹೆಂಗು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. 500 ಜನ ಇದ್ದರೆ 300 ಜನ ನಾ ಬದರ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಲೀಡ್ರು. ಬರೀ ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮನಿದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಂತ. ನಾನು ತೆಹರೀಕ್ ಖುದಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಸೈಯದ್ ಮನ್ಸೂರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ಆಜ್ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸೂಲೆಪೇಟ್ ಚಿಂಚೋಲಿ ಕಮಿಟಿ ಕಿ ಜಾನಿಬ್ ಸೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ಕಾ ಇನ್ಹಾದ ಅಮಲ್ ಮೇ ಆಯಾ ಜಿಸ್ಮೇ ಕೈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ನ ಶಿರ್ಕತ್ ಕಿ ಬಿಲ್ಖುಸೂಸ್ ಶಹಜಾದ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನೆ ಇಸ್ಮೇ ಶಿರ್ಕತ್ ಕರ್ಕರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕಿಯಾ. ಮೇ ತಮಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಜರ್ ಕಾ ದಿಲ್ ಕಿ ಅಮೀರ್ ಗಹರಾಯಿಯೋ ಸೆ ಶುಕ್ರಗುಜಾರ್ ಹೂಂ ಕಿ ಉನ್ಹೋನೆ ಹಮೇ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಬುಲಾಕರ್ ಬಾತ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಮೌಕಾ ದಿಯಾ, ಔರ್ ತಮಾಮ್ ಜಾಯಿರೀನ್ ಕಾ ಮೇ ದಿಲ್ ಕಿ ಅಮೀರ್ ಗಹರಾಯಿಯೋ ಸೆ ಶುಕ್ರಗುಜಾರ್ ಹೂಂ ಕಿ ಉನ್ಹೋನೆ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇ ಪಹುಂಚ್ ಕರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕಿಯಾ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್.